हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अभी फिर से नई रेसिपी के साथ, जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, हमारे पास दाल है। तो दाल हमारा रहर और मूंग की है। तो रहर की दाल हमारा इस कटोरे से 2 कटोरी है और मूंग की दाल हमारी 1 मुट्ठी है। तो आइए आज हम पालक और दाल हम बनाने जाएंगे, या दाल पालक बोल लीजिए या पालक दाल बोल लीजिए। तो आज हम पालक दाल बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले तो हम इसे अच्छी तरह से धोकर इसे कुकर में हम पका लेते हैं। तो आइए इसे धोकर हम 3 से 4 सीटी लगा लेंगे ताकि ये हमारा पक जाए दाल। तो दोस्तों, मैंने दाल को अच्छी तरह से धो लिया है और इसे कुकर में हम पकाएंगे। तो आप चाहें तो अभी आप 1/4 टीस्पून हल्दी डाल सकते हैं। तो मैं अभी 1/4 टीस्पून हल्दी और नमक डालूंगा। तो दोस्तों, हमने कुकर पे रख दिया है हमारा जो दाल है। तो आइए अब हम, जब तक हमारा कुकर से दाल गलता है, पक जाता है, तब तक हम ये साग हमारा जो पालक का है उसे काट लेते हैं। हमने कुछ 100 से 150 ग्राम हमने पालक लिया है और हमारे पास 1 टमाटर है, 2 हरी मिर्च, 5 से 4 लहसुन कलियाँ हैं और 2 मीडियम साइज के प्याज हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम इन्हें काट लेते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने इस तरह से 2 मीडियम साइज के प्याज को काट लिया है और 2 मिर्च को, और हमारे से यहाँ 3 से 4 कलियाँ थी लहसुन की वो। तो आइए अब हम एक कढ़ाई लेंगे दोस्तों, कढ़ाई में तेल डालेंगे और जब तेल गर्म हो जाएगी तो सबसे पहले तो हम उसे जीरा, हल्की सी मैंने जीरा ले लिया है और उस कढ़ाई में, जैसे मैंने एक कढ़ाई लिया उसमें तेल डाला और जीरा उसमें डाल देंगे। अब हम इसमें प्याज, दोस्तों अब हम इसमें प्याज लहसुन और जो मिर्च है दोस्तों, ये देखिए हमने प्याज को भी डाल दिया है इस तरह से, मिर्च और हमारा जो लहसुन है इसे भी डालकर अब हम इसे गोल्डन ब्राउन हल्की सी होने देते हैं। तो दोस्तों, जब तक हमारा गोल्डन ब्राउन होता है तब तक हमारा जो टमाटर और पालक है, पालक को हम इस तरह से ही फाइन काटेंगे दोस्तों। अगर आप इससे भी पतला काटना चाहें तो काट सकते हैं। तो आइए हम पालक और टमाटर को काट लेते हैं, तब तक जब तक हमारा गोल्डन ब्राउन होने लगता है। तो दोस्तों, ये देखिए हमने पालक को इस तरह से काट लिया है पतले पतले में और अच्छे तरह से धो लिया है, और टमाटर को इस तरह से। तो दोस्तों, हमारा जब तक हमने ये पालक उलक काटे हैं तब तक हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है प्याज भी। तो हम उसमें कुछ मसाले डालेंगे जो कि स्वाद अनुसार, तो नमक है 1/4 टीस्पून से भी कम है हमारे पास गरम मसाला, और 1/4 टीस्पून से कम हमारे पास हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी पाउडर मैंने दाल के साथ भी डाला था और नमक भी हमने दाल के साथ ऑलरेडी डाल रखा है, और ये हमारे पास 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 हरी मिर्च भी यूज़ किया है। तो आइए इसे डालने के बाद हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इसे हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं, और हमारा ये प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो ही चुका है। तो दोस्तों, ये देखिए हमारा मसाला भी डाले हुए हो चुका है 2 मिनट। तो आइए हम टमाटर को डाल देते हैं, और हम तुरंत अब इसमें अपना पालक है, जो पालक को भी डाल देते हैं ताकि पालक अपना हल्का सा कच्चापन छोड़ दे, इसलिए हल्की सी हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, 1 मिनट तक ही पकाएंगे पालक को। तो दोस्तों, जब तक हमारा 1 मिनट तक पालक पकता है तब तक हम दाल को निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम 1 मिनट बाद इसमें दाल डाल देंगे। तो दोस्तों, ये देखिए हमारा दाल ऑलरेडी अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब इस दाल को हम इसमें डाल देते हैं। तो दाल डालने के बाद दोस्तों, हम इसे अब इसमें हम हल्की सी धनिया पत्ती डाल लेंगे और इसे हम ढककर 2 से 4 मिनट तक ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि हमारा दाल भी पक चुका है और पालक भी रेडी है। तो दोस्तों, ये देखिए हमारा ये दाल, पालक दाल रेडी है और ये काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। तो आइए मैं आपको इसे निकाल के दिखाता हूँ आपको सब करके। तो दोस्तों, ये देखिए हमारा पालक दाल रेडी है, और ये काफ़ी हेल्थी खाना है, आप खाइए, इसमें प्रोटीन फाइबर सब तरह की चीज़ है, और पालक डालने के बाद इसका टेस्ट और बढ़ जाता है दोस्तों। दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।